ओडिशा के बालासोर जिले में हुए दर्दनाक रेल हादसे से पूरा देश हिल गया है। अब तक जो खबरें सामने आई हैं उनके मुताबिक हादसे में मरने वालों की संख्या 237 हो गई है और आशंका जताई जा रही है कि ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। हादसा क्यों हुआ अभी तक इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं जानकारी के अनुसार ये हादसा 2 जून की शाम 7:30 बजे के आसपास हुआ था। खबरों के मुताबिक पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर की खबर थी, इसके बाद इसमें हावड़ा एक्सप्रेस से टक्कर की बात सामने आई थी और देर शाम तक ये स्थिति साफ हुई थी कि 3 ट्रेनों में टक्कर हुई है। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद खतरनाक है। अभी तक के सामने आए आंकड़ों के अनुसार 900 लोग घायल हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेन दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। बहुत ही बड़ी ट्रेजिक एक्सीडेंट है ये और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, NDRF, SDRF और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है, टाटानगर से, सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था, एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे, किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा। सर, क्या कोई इंडिकेशन? अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है। जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे, सारा फोकस उस चीज पे। दरअसल कुछ मीडिया खबरों की माने तो कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई डब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद ये दूसरी लाइन पर सामने से आ रही एक अन्य ट्रेन से टकरा गई, जिस वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। ओडिशा रेल हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं साउथ ईस्टर्न जोन के कमिश्नर रेलवे सेफ्टी AM चौधरी इस बड़ी दुर्घटना की जांच करेंगे। ओडिशा चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक 237 की मौत हो चुकी है। वहीं रेल हादसे में घायलों को इलाज के लिए गोपालपुर, कांतापाड़ा, बालासोर, भद्रक और सोरो के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक अभी भी राहत एवं बचाव कार्य जारी है। स्थिति तो आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे, हमारे जो बंदे आए हुए थे यहाँ पे सब लगे हुए हैं कल रात से और दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एंड द डिटेल्स अबाउट कितने क्या कैजुअल्टी हुआ आप उनसे थोड़ा लगातार लगे हुए, कल रात से लगे हुए। टीम तो सारे लगे हुए अपने अपने जगह में जहाँ पे हो रखा है। अभी इनका एग्जैक्टली कहाँ पे किस जगह में लगा है वो थोड़ा आगे जाके देखना पड़ेगा आपको। हमारी कल रात से हमारी 6 टीम लगी हुई है यहाँ पर और हमारे डॉग्स भी लगे हुए हैं और हमारी मेडिकल टीम भी लगी हुई है और लगातार हम काम कर रहे हैं, जितना बन सके हम लोग सभी मिलकर काम कर रहे हैं। जितने थे लाइव विक्टिम लगभग हम लोग निकाल लिए हैं और अभी जो भी डेड बॉडीज है उनको हम लोग निकाल रहे हैं। टाइम तो अभी आस्ते आस्ते निकाल रहे हैं, जल्दी तो हो नहीं सकता है देखते हुए कई मैंगल्ड बॉडीज है, तो इसीलिए अपने आप का सेफ्टी को देखते हुए हमको काम करना है, हो जाएगा जल्दी। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ट्रेन हादसे के बाद राज्य दिवस समारोह रद्द करते हुए एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है।
ट्रेन हादसे को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज ओडिशा का दौरा कर सकती हैं। वहीं ओडिशा में रेल हादसा होने पर शनिवार की सुबह होने वाला मुंबई गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन समारोह रद्द कर दिया गया है। इस ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने वाले थे। समारोह सुबह 10 बजे होने वाला था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।